वोटिंग के चार दिन पहले पुनः यह जो है चारों जो है बटुआ खुलेगा और इस बटुआ में ऐसा ऐसा रहस्यमय चीज मिलेगा जो जनता देखकर होगी हैरान और प्रशासन भी होगी हैरान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना अपना गुनाहों का इसमें सामान जो है छुपा रखा है, जो आपको मैं इस चारों बटुए का जो है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पूरब का है बटुआ, ये पश्चिम का है बटुआ, ये उत्तर का है बटुआ और ये दक्षिण का है बटुआ। और ये बटुआ जब खुलेगी पुनः चार दिन पहले ये बटुआ खुलेगी और इसमें जनता के सामने ये बटुआ बारी बारी से खोलकर और ये रखा जाएगा। हम क्यों डरेंगे? हम डरने के लिए सिवान जिला में पैदा नहीं हुए हैं। हम सिवान जिला में डरने के लिए पैदा नहीं है। और लोग चेयरमैन की बात करते हैं, 1945 में मेरे दादाजी पूर्व चेयरमैन डॉक्टर काली बाबू ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरे दादाजी सीताराम प्रसाद जो है उप चेयरमैन हो चुके हैं। मैं कोई नया आदमी नहीं, नया चेयरमैन से लड़ाई में नहीं उतरा हूँ। इस पिटारा में जो है एक ऐसा चीज छुपा हुआ है जो सिवान नगर की जनता देख होगी खुश और प्रशासन होगा हैरान। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। मीडिया के विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि सिवान नगर परिषद से चेयरमैन के उम्मीदवार सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता देवेंद्र गुप्ता की धर्मपत्नी। मीडिया सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है, विश्वसनीय सूत्रों से, कि इनके पास एक रहस्यमय पिटारा है जो कि इस समय काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो आइए देवेंद्र गुप्ता जी से जानते हैं कि वह कौन सा रहस्यमय पिटारा है जिसको वो खोलने जा रहे हैं, कब खोलेंगे, इसके बारे में इनसे जानकारी हम लेंगे। बताइए देवेंद्र गुप्ता जी। ये पिटारा बहुत बड़ा पिटारा नहीं है, इसका साइज अभी छोटा है। इसमें इस पिटारा में जो है चार तरह का इसमें बटुआ है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस पिटारा में जो है एक ऐसा चीज छुपा हुआ है जो सिवान नगर की जनता देख होगी खुश और प्रशासन होगा हैरान। और मैं उस चीज को खोलने जा रहा हूँ कि चुनाव के चार दिन पहले, वोटिंग के चार दिन पहले पुनः यह जो है चारों जो है बटुआ खुलेगा और इस बटुआ में ऐसा ऐसा रहस्यमय चीज मिलेगा जो जनता देखकर होगी हैरान और प्रशासन भी होगी हैरान। कौन सी वो बटुआ है आप दिखाइए? है मेरे पास बटुआ, मेरे पास पिटारा भी है जो आपके सामने जो है, यही हमारे पास पिटारा है। ये पिटारा जो है, अच्छा ये बताइए ये लाल रंग से क्यों ढके हुए हैं? ये लाल रंग जो है ये खतरा का चिन्हासी है। लाल रंग जो है ये खतरा का निशान है, इसमें खतरा बंद है। अब इस खतरे के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें अपना अपना गुनाहों का इसमें सामान जो है छुपा रखा है, जो आपको मैं इस चारों बटुए का जो है मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पूरब का है बटुआ, ये पश्चिम का है बटुआ, ये उत्तर का है बटुआ और ये दक्षिण का है बटुआ। और ये बटुआ जब खुलेगी पुनः चार दिन पहले ये बटुआ खुलेगी और इसमें जनता के सामने ये बटुआ बारी बारी से खोलकर और ये रखा जाएगा। अच्छा देवेंद्र जी, अभी जो दर्शक देख रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, उनको कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको बताइएगा आखिर उसमें क्या है, आप क्या कुछ कहना? देखिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। चार बटुआ है, इसमें हर तरह का इसमें राजनीति फर्क पड़ेगा, जी जी पड़ेगा, चुनाव लड़ रहे हैं उसी संबंधित। देखिए अभी हम अभी कुछ नहीं कहेंगे।
अभी हमको कुछ नहीं कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या वो है? देखिए सूचना मिल रही है, आपके जो लोग हैं वो भी बता रहे थे, हमारे सूत्र भी बता रहे थे कि आपके पास कुछ ऐसा रहस्यमयी चीज है जिससे सिवान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। देखिए वो तो समय वक्त आएगा, वोट होने के 4 दिन पहले ये पिटारा पूरे सिवान नगर में खुलेगी और उसमें जनता होगी खुश और प्रशासन हो गए हैरान। स्थायी जगह है जहां पर आप ये खोलेंगे पिटारा को? जी स्थान अभी हम निश्चित नहीं करेंगे, स्थान जो है चौथे दिन पांचवे दिन जब भी होगा वहां स्थान निश्चित करेंगे और हम अपना माननीय SDO साहब से परमिशन कराएंगे और वहां पर इस चीज को हम लगाएंगे और दिखाएंगे। क्यों नहीं आप इसको खोलना चाहते हैं? क्या है इसमें? इसलिए आप लोग को अभी हमको नहीं दिखाना है। चारों दिशा का जो आप बटुआ दिखा रहे हैं, हालांकि देखकर खूबसूरत लग रहा है, इसमें सोना चांदी वगैरह नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सोना चांदी कुछ नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर 4 दिन पहले ही क्यों आप कह रहे हैं? अभी है वो दिखाइए क्या? नहीं अभी देखिए, जब हम अभी दिखा नेता जी एक सवाल है नेता जी, उस बटुए में आखिर क्या है? किसी प्रत्याशी की राज है कि कोई कर्मकांड किया है वो राज है कि है क्या उस बटुआ में? बताएंगे, खुलासा तो होनी चाहिए। देखिए ये अभी हमसे कुछ मत करवाइए, चुनाव आने दीजिए, जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन हम आप सभी मीडिया कर्मी को हम बुलाकर इस चीज को रख देंगे और बारी बारी से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ये जो बटुआ है स्वयं से आप खोल कर और वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कब आप बताइए, कब बताएंगे? देखिए हम चुनाव के आज भी बोल रहे हैं कि चुनाव के 4 दिन पहले, या दिन ही पहले? जी 4 दिन ही पहले, 4 दिन ही पहले, 1 दिन पहले भी तो कर सकते हैं। नहीं मुझे 4 दिन समय चाहिए, वोटिंग के 4 दिन पहले ये खुलेगी पिटारा और इस पिटारे से ऐसे ऐसे रसमई चीज निकलेगी जो आप सभी भी देख हैरान होंगे और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ। एक कहावत है कि अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब लोग एक माइंड सेट कर लेंगे किसी को पसंद करने के लिए उसके बाद आपके खोलने का क्या फायदा होगा? देखिए जनता जानती है ये सब, हमारे पास आप प्रश्न मत कीजिए, ये सब क्वेश्चन मत कीजिए, जनता जानती है ये तो राजनीति है, राजनीति चल रही है, जनता जो है वोटिंग करना होगा हमको, अगर बढ़िया अगर पसंद करती होगी कि हाँ देवेंद्र कुमार गुप्ता उनकी पत्नी सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता अगर सही प्रत्याशी हैं, भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, सर्वे करके और मेरे को वोट अगर कर दें वही मेरे लिए उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। क्या मतलब मोटा मोटी ये माना जाए कि आप जिस बटुए की बात कर रहे हैं, लाल रंग की बटु, लाल रंग का बटुआ है, इसमें कुछ राजनीतिक ऐसी चीज है जिससे सिवान की राजनीति में फर्क पड़ेगा? देखिए ये हमको मत अभी, नहीं नहीं अभी हम इस चीज को खोलेंगे नहीं, ना ही कोई राजनीति का कहेंगे। एक सवाल है, ये जो बटुआ आप रखे हैं इसमें हो सकता है कोई राजनीति से जुड़े हुए बटुआ रखे हैं? अभी हमसे नहीं, अभी मत खोलवाइए आप। कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या है? अभी देखिए आपको कॉन्फ्रेंस में हमारे सारे मीडिया कर्मी को कुछ पता चला है तो मेरे पास आए हैं और स्वयं से वो आए हैं, हमने कोई कॉन्फ्रेंस रखा नहीं है, ठीक है ना? आप स्वयं से आए हैं, स्वयं से हमारे पास बात करके वो रसमई आपको बटुए और पिटारा देखना चाह रहे थे। मैं इस पिटारा को खोलने का समय निर्धारित कर चुका हूं कि वोटिंग के 4 दिन पहले इस पिटारा को खोलेंगे। देवेंद्र गुप्ता जी, बटुआ जो खोलने की बात आप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा राजनीति में एक भूचाल लाने वाला विषय है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हो सकता है कि जो आपके विरोधी हो, विपक्षी हो, या जिनका कर्म कांड हो, गुनाह हो, जिस बटुआ में आप रखे हुए हैं वो आपको निशाने पर ले सकता है चुनाव से पहले? देखिए मैं किसी प्रत्याशी के साथ जो है ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूं और प्रत्याशी होते हैं, देखा जाए 4 दिन पहले क्या होता है। मतलब मैं प्रत्याशियों को, जो और प्रत्याशी आपके प्रतिद्वंदी हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो फिर आप डर रहे हैं क्या? नहीं हम क्यों डरेंगे, हम डरने के लिए सिवान जिला में पैदा नहीं हुए हैं सर, ये जो पोटली का, हम सिवान जिला में डरने के लिए पैदा नहीं है। और लोग चेयरमैन की बात करते हैं, 1945 में मेरे दादाजी पूर्व चेयरमैन डॉक्टर काली बाबू ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे दादाजी सीताराम प्रसाद जो है उप चेयरमैन हो चुके हैं, मैं कोई नया आदमी नहीं, नया चेयरमैन से लड़ाई में नहीं उतरा हूं मैं आगे आने। आपकी लड़ाई किससे है? मेरे लड़ाई किसी से नहीं है,
मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। क्या माना? मैं जनता का एक आशीर्वाद पाऊंगा, ये मुझे निश्चित दिशा में हमको लेकर जा रही है। ठीक है, क्या और पूछना है? सर, ये जो पोटली का आप दिखावा कर रहे हैं, कहीं से जनता गुमराह तो नहीं कर रहे ना आप? जनता चलाक है जी। जनता को कौन गुमराह कर सकता है? जनता को वही गुमराह कर सकता है जो अपना हुजूम को, भीड़ को, पैसा, धन को लालच देकर वोट इकट्ठा करने के चक्कर में है, वो जो है जनता को गुमराह कर सकता है। हम तो पैदल जाकर जनता के चरणों के धूली को अपने सर पर लेकर चलते हैं और चरणों के धूली उनको लेकर हम आशीर्वाद पाना चाहते हैं, यही उनकी आशीर्वाद है मेरे साथ। तो क्या देवेंद्र गुप्ता जी, जो बटुआ में पिटारा आप खोलने की बात कर रहे हैं, उसको अब सुरक्षा में रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल सुरक्षा में है। बिल्कुल सुरक्षा में है, वो बटुआ है, बहुत ही रसमई बटुआ है और एक नहीं चार चार बटुआ है। आखिर लाल रंग में ही आपने क्यों उसको बनाया है? इसलिए कि लाल खतरा का निशानी है और चार प्रजाति के उसमें समान है, एक प्रजाति की नहीं है, चार प्रजाति के समान है। और उसमें जिस दिन निकलेगी, स्वयं हमारे मीडिया कर्मी जो है देखेंगे। इतना बड़ा रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, आपकी पत्नी जो है, जो प्रत्याशी है सोनी देवी, वो नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रही? देखिए, हमारी पत्नी जो है अभी थोड़ा सा उनका फीवर है और सर में दर्द है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई है। उनको तो मालूम है ना किस बटुए में? जी जी, उनको मालूम है, चूंकि वो प्रत्याशी हैं, उनको क्यों नहीं मालूम रहेगा कि वो तो प्रत्याशी हैं भाई। जिस दिन ये खुलेगा पिटारा, उस दिन उनकी अनुपस्थिति रहेगी? बिल्कुल रहेगी, वो तो ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी।